मुसीबतें हमारी जिंदगी की एक सच्चाई है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी जिंदगी इसका रोना रोता है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबतों से होता है। इसके बिना जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। दोस्तों, मैं हूं सोहम और फिर से हाजिर हूं एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ, जिसका नाम है बुलंद हौसलों की कहानी। साथियों, अक्सर हमारे सामने मुसीबतें आती हैं तो हम उनके सामने पस्त हो जाते हैं। उस समय हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। हर व्यक्ति का परिस्थितियों को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कई बार हमारी जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। उस कठिन समय में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ संभल जाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार इंसान किसी भी प्रॉब्लम को दो तरीके से देखता है। पहला, प्रॉब्लम पर फोकस करके, यानी प्रॉब्लम फोकस पीपल्स। दूसरा, सॉल्यूशन पर फोकस करके, यानी सॉल्यूशन फोकस पीपल्स। प्रॉब्लम फोकस पीपल्स अक्सर मुसीबतों में ढेर हो जाते हैं। इस तरीके के इंसान किसी भी मुसीबत में उसके हल्के बजाय उस मुसीबत के बारे में ज्यादा सोचते हैं। वहीं दूसरी ओर सॉल्यूशन फोकस पीपल्स मुसीबतों में उसके हल के बारे में ज्यादा सोचते हैं। इस तरह के इंसान मुसीबतों का डटकर सामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक महान सॉल्यूशन फोकस इंसान की कहानी शेयर करने जा रहा हूं, जो आपको किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी, मोटिवेट करेगी। साथियों, आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो सुना ही होगा। जी हां, वही नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के एक महान निडर और साहसी शासक थे, जिनके जीवन में असंभव नाम का कोई शब्द ही नहीं था। इतिहास में नेपोलियन को विश्व का सबसे महान और अजेय सेनापतियों में से एक गिना जाता है। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक माने जाते थे, जिनके सामने कोई रुक नहीं पाता था। नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किया करते थे। एक बार उन्होंने आलपास पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा हुआ था, जिस पर चढ़ाई करना असंभव था। उसकी सेना में अचानक हलचल जैसी स्थिति पैदा हो गई। फिर भी उसने अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दिया। पास में एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने जैसे ही यह सुना, वह पास आकर बोली, क्यों मरना चाहते हो? यहां जितने भी लोग आए वो मुंह की खाकर यहीं रह गए। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार है तो वापिस चले जाओ। उस औरत की यह बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने की बजाय प्रेरित हो गए और झट से हीरो का हार उतार कर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और फिर बोले, आपने मेरा उत्साह दुगना कर दिया है और मुझे प्रेरित किया है, लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए, जो करने या मरने और मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हैं वह लोग कभी नहीं हारते। मुसीबतें ही हमें आदर्श बनाती हैं। दोस्तों, अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी में मुसीबतें चाय के कप में जमी मलाई की तरह है, और कामयाब वो लोग हैं जिन्हें फूंक मार के मलाई को साइड कर चाय पीना आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज लाइक एंड शेयर वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू अगेन।